सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। ये चैनल में मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ऐसे नया वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नया वीडियो देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज थर्मोकपल। तो दोस्तों, जैसे देख पा रहे ये एक थर्मोकपल है। ये के टाइप थर्मोकपल है। जैसे देख रहे हैं ये इसका स्टोर है। ये इतना लंबा रहता है स्टोर, ठीक है। इसका जो सेंसिंग पॉइंट रहता है, ये वाला पोर्शन रहता है सेंसिंग पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको तो पता है थर्मोकपल में कोई एक्सटर्नल सप्लाई दिया नहीं जाता है, वो इंटरनली सप्लाई जनरेट करता है। जैसे कि थर्मोकपल मिली वोल्ट सप्लाई जनरेट करके हमारा पीएलसी को फीडबैक देता है कि टेम्परेचर कितना है। तो हम जानते हैं आज के टाइप थर्मोकपल कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों, ये थर्मोकपल का देख रहे हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ब्लैक रेड एंड येलो केबल है। इसमें क्या करते हैं ना हम लोग सप्लाई, ये दो टाइप का है, मतलब दो है, दो मतलब यूनिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। तो थर्मोकपल मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, जहाँ की टेम्परेचर का फीडबैक चाहिए हम लोगों को। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में फर्नेस में, हीटर वगैरह में, हर जगह यूज होता है थर्मोकपल। तो के टाइप थर्मोकपल का रेंज क्या रहता है ये जानते हैं। के टाइप का थर्मोकपल का रेंज रहता है आपका -280 to 1200 degrees के आसपास रहता है। तो दोस्तों, के टाइप थर्मोकपल हर जगह यूज होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे डक्ट लाइन में, हर जगह यूज होता है। तो ये जो है देख रहे हैं, इसमें सप्लाई हम लोग पीएलसी के लिए लेते हैं। इसमें फिर से बोल दे रहा हूँ, इसमें कोई सप्लाई नहीं देते हम लोग, ये मिली वोल्ट इंड्यूस करके हमको देता है और उसको हम पीएलसी से कन्वर्ट करके कितना टेम्परेचर है वो शो करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कैसा लगा आज का वीडियो, हमको जनाएंगे, आपको कमेंट में लिख के बताएंगे।